Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Stylish Pearls. Viewers, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत डिजाइन, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बुकरम की पट्टी ले ली और उसको इस तरीके से लंबाई की तरफ फोल्ड कर लिया। लंबाई की तरफ फोल्ड करने के बाद हमने इसको चौड़ाई की तरफ भी फोल्ड कर लेना है। एक साइड से फोल्ड करके दूसरी साइड से फोल्ड करना है, बिल्कुल क्रिस क्रॉस की तरह। इसी तरह हमने पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने इसको एक साइड से कट कर लिया और इसकी दूसरी साइड से भी हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद बिल्कुल इस तरीके से ये पट्टी आ गई है, बिल्कुल इस शेप में इसको कर लेना है। एक प्रिंटेड फैब्रिक की पट्टी ले ली, इसकी चौड़ाई आप पांचे के हिसाब से रख सकते हैं और बुकरम वाली पट्टी को प्रेस के जरिए से इस पे चिपका लेना है। इस पट्टी में जो ट्रायंगल शेप आ रही है वहां से इसको कट कर लेना है ताकि हम इसको फोल्ड करके इसको बिल्कुल सही तरीके से सेट कर सकें। ट्राइंगल्स कट करने के बाद इस तरीके से हमने उनको फोल्ड कर लिया। पूरी पट्टी के सारे ट्राइंगल्स को फोल्ड कर लेना है और इसको सीधा करने के बाद बिल्कुल ये शेप आ रही है। अब हमने अपने ट्राउजर का पांचा लिया, हमने अपनी रेडी की हुई पट्टी को ट्राउजर के पांचे पर स्टिच करना है, तो उसको बिल्कुल ट्राउजर के पांचे पर रख कर स्टिच किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी ये पट्टी स्टिच हो चुकी है। एक चकोर शेप फैब्रिक का पीस लिया, इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई भी 3 इंच है। इस तरीके से हमने इसके बहुत सारे पीसेस बना लिए हैं। फर्स्ट पीस लिया और उसको इस तरीके से फोल्ड किया जिससे इसकी ट्रायंगल शेप आ गई है। अब ट्रायंगल के एक कोने को फोल्ड किया और दूसरे को भी फोल्ड कर लिया। इसको हमने ट्राउजर के पांचे के नीचे रखकर स्टिच करना है। इसी तरह हमने सारे पीसेस को यही शेप देनी है और इनको नीचे रखकर स्टिच करना है।
अब हमने एक बुकरम का पीस लिया और उसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हमने इसको एक साइड से कट किया और दूसरी साइड से भी कट कर लिया। ओपन करने के बाद इसकी ऐसी शेप आ गई है। अब हमने एक फैब्रिक का पीस लिया और अपने बुकरम के कट हुए शेप को उस पर चिपका कर उसके ट्रायंगल से कट लगा लिए। कट लगाने के बाद उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब हमने इसको सीधा किया तो बिल्कुल इस तरीके से इसकी ये शेप आ गई है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा ये डिजाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक